नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, सीएम गहलोत का ट्वीट, 20,000 से ज्यादा लोगों को मिला फायदा। कोलायत के झज्जू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ग्राम उत्थान युवा संगठन की मुहिम। सेल्फी विद परिंडा अभियान का आगाज, पानी पीने और दाना चुगने के लिए लगाए जा रहे हैं परिंडे। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर सरकार ने बड़ा दावा किया है। सरकार का दावा है कि 1 मई से शुरुआत के बाद अभी तक 20,000 से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल चुका है। योजना को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जानकारी साझा की। चिरंजीवी योजना को लेकर किए गए अपने ट्वीट में सीएम गहलोत ने कहा कि 1 मई से शुरुआत के बाद अभी तक 20,000 से ज्यादा लोगों को चिरंजीवी योजना के माध्यम से निःशुल्क इलाज मिला है। जिन परिवारों ने चिरंजीवी योजना में पंजीकरण नहीं कराया वे 31 मई तक पंजीकरण कराएं। गहलोत ने एक बार फिर आम आदमी को इस योजना का फायदा गिनाया। कोलायत तहसील के झज्जू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ग्राम उत्थान युवा संगठन की मुहिम के तहत जन सहयोग और भामाशाह के सहयोग से 8 लीटर की ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन और 2 कूलर स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर शिवम चारण को सुपुर्द किए गए। संगठन के अध्यक्ष अकरम अली खिलजी ने बताया कि इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि झंवरलाल सेठिया, सरपंच घमूराम नायक और कई लोग मौजूद रहे। इस मौके पर संगठन के सदस्यों और ग्रामीणों ने विकास के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का संकल्प लिया। बाली फालना भारतीय जनता पार्टी संदेश सेवा ही संगठन कार्यक्रम के निमित्त जिलाध्यक्ष मनसाराम परमार और विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत के निर्देशानुसार युवा मोर्चा भाजपा जिला महामंत्री देवेंद्र सिद्धावत के नेतृत्व में परिंडा विद सेल्फी कार्यक्रम का आगाज किया गया। इस कार्यक्रम के निमित्त नगर के विभिन्न स्थानों पर मूक पक्षियों के पानी पीने और दाना चुगने के लिए परिंडे लगाए गए। साथ ही गायों को चारा देकर समय समय पर सेवा कार्य लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कोरोना काल में मरीजों को सुविधाओं के लिए तिवरी तहसील के मथानिया सैटेलाइट अस्पताल में मुस्लिम समाज की ओर से 10 पलंग सेट भेंट किए गए हैं। इनमें कोरोना काल में मरीजों को सुविधा मिलेगी। इस मौके पर उपकरण अधिकारी रतनलाल रैगर, तहसीलदार भंवरलाल मीणा, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर हरीश चंद्र समेत मुस्लिम समाज के कई लोग मौजूद रहे। जैसलमेर एक बार फिर से टिड्डियों के हमले के खतरे को देखते हुए जिले को अलर्ट किया गया। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने कहा कि मई में दक्षिण पश्चिम ईरान में कुछ टिड्डियों के बैंड बनने की संभावना है, जहां से पूर्व में पाकिस्तान की ओर बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान होते हुए ये टिड्डी दल भारत के सीमावर्ती जिले में दाखिल होंगे। मिली सूचना के बाद सीमावर्ती जिले को टिड्डियों के हमले के मद्देनजर अलर्ट जारी किया गया। एडवाइजरी के बाद जैसलमेर के जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने टिड्डी नियंत्रण अभियान में लगे सभी अधिकारियों को नियंत्रण कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने आदेश जारी कर नियंत्रण अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारियों, राजस्व विभाग के अधिकारियों और सभी को निर्देशित किया कि वे आपस में समन्वय और संपर्क बनाते हुए टिड्डी से संबंधित सूचनाओं को त्वरित संप्रेषित करते हुए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करें। करौली सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया जिले में 5 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान जिले के विभिन्न अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। सांसद राजौरिया ने हिंडौन स्थित राजकीय अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद ने अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही कोविड मरीजों को दी जा रही चिकित्सा और सुविधाओं की जानकारी ली। वहीं कोविड वार्ड में रोगियों से वार्ता कर उनके हालचाल जाने। निरीक्षण के दौरान लोगों ने अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन की कमी से अवगत कराया, जिस पर सांसद ने जल्द सीटी स्कैन की व्यवस्था शुरू करने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने 18+ युवाओं को वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक होने के पश्चात अंतिम समय में बचे वैक्सीन सेंटर पर रजिस्ट्रेशन कराए जाएंगे, जिसके लिए अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए। यहाँ अस्पताल के अंदर वैक्सीन की उपलब्धता होगी, अस्पताल उसके लिए तत्परता से तैयार है। और जो ऐप के ऊपर जो वैक्सीनेशन का हो रहा था, स्लॉट बुकिंग का जो प्रॉब्लम आ रही थी, उसका भी समाधान कर लिया गया। अभी हमने बैठ के चर्चा की है, जिला पे भी हमने बात की है, राज्य में भी बात की है कि अगर
स्लॉट के अलावा भी अंतिम समय में ऐसे लोग होते हैं कि 300 की बुकिंग है और मान लो 250 लोग आए तो 50 बुकिंग यहाँ वो लोग आ सकते हैं और उनको तुरंत साथ के साथ बुक करके उनको वैक्सीनेशन लगा दिया जाए। तो ये सवाल उठा रहे हैं और ये गंभीर चिंतन का मनन का जिम्मेदारी का विषय है। इस विषय में मैं सोचता हूँ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार और संबंधित वैज्ञानिक जो कि वैक्सीन का जिन्होंने बनाया है और दूसरे निर्माण कंपनियां जो इसको बना रही है, वैश्विक स्तर पर इसकी तैयारियां चल रही है और भारत और राज्य सरकार और भारत। खबर सूरतगढ़ से है, जहां पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 7 SGM में कोरोना महामारी से बचाव हेतु पूर्व सरपंच गोपीराम जयपाल, पल्लूराम बेगड़ सहित अन्य ग्रामीणों द्वारा सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। पूर्व सरपंच ने चिकित्सा विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की सैंपलिंग कराने की अपील की, जिससे बढ़ते संक्रमण से बचा जा सके। इस मौके पर पूर्व सरपंच गोपीराम जयपाल द्वारा ग्रामीणों से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की कड़ाई से पालना करने की अपील की गई। खबर टॉक से है, जहां त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन लगा है, वहीं आम आदमी और अस्पताल आने जाने वाले मरीजों को कष्ट उठाना पड़ रहा है। भोजन के लिए भी परेशानी हो रही है। वर्तमान में सभी बाजार बंद हैं, ऐसे में परिजनों के लिए इंदिरा रसोई योजना लाभप्रद साबित हो रही है। उन्हें वक्त पर खाना मिल पा रहा है। परिजनों द्वारा लॉकडाउन की स्थिति में नगर परिषद द्वारा संचालित रसोई योजना में भरपूर भोजन सुबह शाम मिल रहा है। वर्तमान में राज्य सरकार की गाइडलाइन और नगर परिषद द्वारा सभी को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। रसोई कहाँ कहाँ चल रही है और किस प्रकार की सुविधा दी जा रही है लॉकडाउन में? देखिए विजय, आज हमारे यहाँ इंदिरा रसोई से जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये शुरुआत की थी, तो उसका आज बेनिफिट इस लॉकडाउन में जो लोग को नहीं हो पा रहा था वो आज उसका बेनिफिट लोग ले पा रहे हैं। और हमारे यहाँ जो इंदिरा रसोई टोंक में है वो MCH और सादत हॉस्पिटल और बस स्टैंड, यहाँ पर ये इंदिरा रसोई चल रही है। इनके टाइमिंग है सुबह 8 से लेके दोपहर के 2 बजे तक और फिर ब्रेक लेके शाम को 5 बजे से लेके रात के 8 बजे तक। और हमारी कांग्रेस की एक टीम है जो कि हमने लगा रखी है, जो लोग पेशेंट ऐसे हैं कि हॉस्पिटल से अटेंडेंट उनके आ नहीं सकते वहाँ पे, क्योंकि उसमें एक आईडी दिखानी पड़ती है नाम का, इसलिए हम उनको हॉस्पिटल में अंदर बेड पे भी और कोई घर पे भी कोई सुविधा, मतलब खाने के से रिलेटेड कोई भी आ रहा है तो हम उसको मना नहीं कर रहे हैं और हम उसको घर बैठे और मोहल्लों में भी खाना भिजवा रहे हैं। पैकेट शुल्क इसका क्या शुल्क है अभी? देखिए अभी फ्री है वो शुल्क, हमारा कोई शुल्क नहीं है उस पे, सरकार ने ये इस लॉकडाउन के को देखते हुए इसको फ्री करवा दिया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि लोगों को कुछ इससे राहत मिलेगी। और भी आगे जो गवर्नमेंट सरकार करेगी प्रयास, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, जिनके रोज़गार नहीं है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ सुविधाएं और बेहतर होती जाएंगी। रोज कितने लोग इसकी सेवा उठा रहे हैं? देखिए कल 182 लोगों ने MCH में खाना खाया था और आज का आंकड़ा भी शाम तक मेरे पास आ जाएगा सादत हॉस्पिटल में। काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और मुझे जो भी कोई फ़ोन आते हैं तो मैं उन्हें फ़ोन के माध्यम से भी बता देता हूं कि ये एड्रेस है, आप वहां जाएं और कोई मसला हो तो मुझसे भी बात करवा दें। धन्यवाद। खबर राजियासर से, जहां क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर पंचायत स्तर पर प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी के तहत प्रशासन द्वारा गांव ठेठार में पंचायत स्तरीय कोर कमेटी द्वारा सैनिटाइज का छिड़काव किया गया ताकि लोग महामारी से बच सके। लोगों को घरों से बाहर न निकलने की मुनादी कराई गई और लोगों को अत्यधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई। खबर राजधानी जयपुर के पावटा से है, जहां कस्बे भूमिका प्लाजा स्थित SGN हॉस्पिटल में डॉक्टरों की टीम ने मात्र 6.5 महीने में जन्मे 550 ग्राम वजन के नवजात की जान बचाई। नॉर्मल डिलीवरी से जन्मा नवजात इतना कमजोर था कि उसका बचना लगभग असंभव था। बच्चे का इलाज NICU में वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि और उनकी टीम कर रही है। उन्होंने बताया कि बच्चे की हालत पहले से बेहतर है। इस हॉस्पिटल में पहली बार इतने कम वजन के बच्चे का जन्म हुआ है। तो वहीं SGN हॉस्पिटल निदेशक डॉक्टर जयराम यादव ने बताया कि नवजात को जन्म के कुछ दिन पहले पीलिया हुआ था, लेकिन अब पूरी तरह स्वस्थ है। पिछले कुछ दिन बच्चे को नली से दूध दिया गया, अब उसे कटोरी चम्मच से दिया जा रहा है। इसके साथ ही कैल्शियम और मल्टी विटामिन भी दिया जा रहा है। मेरे घर पे दर्द हो गए थे, मैं वहाँ बैरोलोम हॉस्पिटल में गई थी,
वहाँ पे मुझे 12 बजे रात की छुट्टी दे दी। मैं घर पे आ गई, फिर वहाँ से मुझे फिर से दर्द होने लगा। मैं SGN हॉस्पिटल पावटा में आ गई। यहाँ की मैं डिलीवरी हो गई थी, 6.5 महीने का बच्चा हुआ था। पहले मेरी 2 लड़की थी, 5.5 ग्राम का ये NIC में चला गया था। यहाँ पे मुझे 1 महीने हो गया। यहाँ के स्टाफ भी बड़ी मेहनत की है। आज ये पूरे 1 महीने का हो गया है, इसका वजन 1 किलो का हो गया है। आज हमें छुट्टी दे रहे हैं, घर पे जा रहे हैं। एक यह बच्चा एकदम स्वच्छ है। रायसिंह नगर समेजा थाना के गांव भातीवाला के सरपंच द्वारा लड़की को भगा ले जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पंचायत समिति विजयनगर की ग्राम पंचायत भातीवाला के मौजूदा सरपंच सुनील कुमार गांव की 21 वर्षीय युवती को भगा ले गए, जिसके बाद पूरी पंचायत में उनका जोर शोर से विरोध हो रहा है। इस मामले में युवती के परिजनों ने पुलिस थाने में परिवाद दर्ज कराया, लेकिन फिलहाल सरपंच और युवती का कोई पता नहीं है। इस घटना के बाद से ग्रामीण बेहद नाराज हैं। उन्होंने सरपंच कार्यालय में तालाबंदी कर विरोध जताया। मौजूदा सरपंच ने ग्राम विकास के लोक लुभावने वादे कर सरपंच पद पाया और अब राम भरोसे छोड़कर युवती के साथ फरार हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पद को शर्मसार किया है और भरोसा कर गांव की जनता ने उन्हें जिताया था, लेकिन उन्होंने छल किया है। ग्रामवासी सरपंच कार्यालय में ताला लगाने से पहले पंचायत घर में ताला लगा रहे थे, लेकिन प्रशासन के पहुँचने के बाद उन्हें समझाया गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राजस्थान की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार।